हेलो फ्री फायर लवर। तो यार आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो कि हमारा एफएफ टोकन होता है, जैसे आप इसको एक्सचेंज पे क्लिक करते हो तो गाइस यहाँ पे आपको एफएफ टोकन का सेक्शन जो है नहीं दिखाई देगा। तो गाइस आपको जो है नया एफएफ टोकन का सेक्शन देखने को मिलेगा, तो उसमें क्या कुछ होने वाला है तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और यार आज के इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप जो है कोडा शॉप की तरफ से फ्री में डीजे अलॉक जो है कैसे ले सकते हो। और आप में से बहुत सारे बंदे जो है कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि भाई यार मैंने जो है गेम खरीदो डॉट कॉम से टॉपअप किया, एक ही बार में मेरे को डबल डायमंड मिले फिर नहीं मिले। लेकिन गाइज आज के इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि आप जो है दो तीन बार जो है कैसे जो है डबल डायमंड टॉपअप कर सकते हो। जी हां गाइज, डबल डायमंड टॉपअप जो है आप दो तीन बार कैसे कर सकते हो, क्योंकि पहले मैंने खुद टॉपअप किया गाइज, उसी के बाद में आपके लिए ये वीडियो बना के आया हूँ। और गाइज जो केओ नाइट का जो मेल बंडल है इससे रिलेटेड बहुत ही खतरनाक अपडेट निकल के आई, जो कि आज के वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो वीडियो में ध्यान से लास्ट तक जो है बने रहना। तो यार डबल डायमंड टॉपअप करने के लिए पहले आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है डायमंड खरीदो। तो गाइस ट्रस्टेड एप्लीकेशन है क्योंकि ये प्ले स्टोर पे भी है, तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो गाइस जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यार आपको यहाँ पे जो अपना नाम डालना होता है, एक ईमेल डालनी होती है और एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड जो है डाल देना, उसके बाद आप जो है इजीली यहाँ पे जो है रजिस्टर हो जाओगे। तो यार जैसे आप जो है रजिस्टर हो जाओगे उसके बाद जो आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, डायमंड डबल डायमंड की लिस्ट 1 और 2 है यहाँ पे, फिर रेगुलर है और फिर मेंबरशिप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यार यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले मैं आपको जो खुद डबल डायमंड का टॉपअप करके दिखा देता हूँ। तो गाइस मेरे को डबल डायमंड पे क्लिक करता हूँ, लिस्ट 1 पे जाते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें स्कीम है। तो यहाँ पे पहले मेरे यूजर की UID मांग रहा है, तो मैं अपनी UID डाल देता हूँ टॉपअप करने के लिए। UID की जरूरत तो पड़ेगी, तो आपको अपनी UID कॉपी कर लेना, जिस टाइप से मैं अपनी UID मेरे को याद है तो मैं अपनी UID डाल देता हूँ। तो यहाँ पे इस टाइप के कुछ प्लान है, तो मैं 110 रुपये में जो है 200 डायमंड मेरे को मिल रहे हैं, तो 110 रुपये में 200 डायमंड परचेज करूंगा। तो यहाँ पे मेरे को नेम पूछ रहा है, तो मैं अपना नेम डाल देता हूँ गाइस। और यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर भी पूछ रहा है, तो गाइस मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं दिखाऊंगा वरना जो आप डीजे लोग मांगने लगोगे मेरे को कॉल करके। तो गाइस यहाँ पे इस टाइप का इसका प्रोसेसिंग हो रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं कितना टाइम लेता है। तो यार इस पर हमारा पेमेंट करने का ऑप्शन है, यार यहाँ पे पेमेंट करना बिल्कुल आसान है। आप जो यहाँ पे जो है अपना वॉलेट का भी यूज कर सकते हो, और यहाँ पे जो है पेटीएम का यूज कर सकते हो, गूगल पे और फोनपे का यूज कर सकते हो, और यहाँ पे और भी काफी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस जो यहाँ पे मैं वॉलेट से अपना पे कर देता हूँ, तो यूज वॉलेट करके हमारा जो यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 डायमंड का टॉपअप हो चुका है। तो गाइस चलो अपना गेम जो है स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा जो टॉपअप है वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। तो गाइस मैं अपना गेम पहले स्टार्ट कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो है मेरा थोड़ा मोबाइल पे यहाँ पे अभी जो है प्रॉब्लम चल रहा था, तो यार थोड़ा गेम स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो यहाँ पे मोबाइल थोड़ा ज़्यादा ही भर चुका है गाइस। तो यहाँ पे देखते हैं कितनी देर में हमारा गेम स्टार्ट होता है। तो जब तक हमारा गेम स्टार्ट होता है तब तक जो है आप लोग वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार, जब तक कि हमारा गेम ओपन हो रहा है। तो हमारा गेम जो है ओपन हो चुका है, टाइम टू बिगिन पे क्लिक कर देते। तो गाइस अभी हमारा यहाँ पे सिर्फ 4 ही डायमंड दिखा रहा है गाइस, क्योंकि इससे पहले मेरे पास 4 ही डायमंड था और अभी तक मेरे को यहाँ पे डायमंड नहीं मिला। इसको पहले कट कट कर देते हैं गाइस। तो यहाँ पे भाई अभी तक 4 ही डायमंड गाइस, और गाइस यहाँ पे मेरे को 204 डायमंड हो चुके हैं गाइस। तो यहाँ पे मेरे को 200 डायमंड मिल चुके हैं गाइस, मैंने 110 डायमंड का जो टॉपअप किया था उसका मेरे को 200 डायमंड जो है मिल चुका। तो गाइस मेरे को जो है यहाँ पे इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, लेकिन गाइस जो इसमें जो है मेरे को डायमंड मिलने में 5 मिनट तक लग गए गाइस। अगर आपका जो है डायमंड जल्दी नहीं मिलता तो गाइस आपको जो है आधा घंटा तक भी लग सकता है, और अगर आपको डायमंड नहीं मिलेंगे तो आपका जो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो यार अगर आपको यहाँ पे अपना जो है पैसा ऐड करना है तो आपको वॉलेट वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा और ऊपर जो है ऐड बैलेंस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको जैसे मैं 100 डायमंड सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपको जो है UPI ऐप्स जो है पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोनपे का यूज कर सकते हो, और यहाँ पर जो है डेबिट कार्ड्स इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जिससे मर्जी आप जो यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो और इजिली अपना जो है अपना यहाँ से टॉपअप कर सकते हो। तो इसकी एप्लीकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में और जाके डाउनलोड जरूर करना। तो यार मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है फ्री में जो है कोडा शॉप की तरफ से डीजे अलॉक कैसे ले सकते हो। तो इन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया जहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर हमारे जो इंस्टाग्राम पे 50,000 फॉलोअर हो जाते हैं तो हम जो है फ्री में जो है डीजे अलॉक देंगे। तो गाइस कोडा शॉप की ये पोस्ट देख के काफी सारे यूट्यूबर ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई और कोडा शॉप के जो है बहुत ज्यादा फॉलोअर बढ़ भी गए। लेकिन गाइस उससे पहले जो है पहले ये वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे इन्होंने कुछ नीचे ये भी लिखा है, ये नोट किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि जो यहाँ पे गिव अवे पार्टिसिपेट कैसे करना है, फॉलो वोलो का लिखा है, और लास्ट में नोट में क्या लिखा है, सालों ने 10 लक्की विनर ओनली होंगे। तो गाइस 10 लक्की विनर ओनली होंगे ये इन्होंने लिखा है। भाई यहाँ पे 1,000 सब्सक्राइबर वाला कोई जो है यूट्यूबर होगा ना, वो भी 50 डीजे अलॉक गिव अवे कर देगा सालों। तुम इतने रुपए कमा के भी सिर्फ 10 डीजे अलॉक का जो है गिव अवे करोगे, और इनको चाहिए 50,000 फॉलोअर, मतलब कि 50,000 फॉलोअर का ये सिर्फ 10 बंदों को 10 डीजे अलॉक देने वाले हैं, मतलब इतनी गरीबी आ गई है हम पे। तो गाइस अगर आपने डीजे अलॉक के लालच में कोडा शॉप को फॉलो किया तो उसको अनफॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल भी डीजे अलॉक नहीं मिलने वाला है। उससे अच्छा तो यार हम ही को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि 5,000 फॉलोअर अगर हमारे इंस्टाग्राम पे हो जाते हैं तो गाइस हम वहाँ पे जो है रिडीम कोड के गिव अवे करने वाले, डेली स्टोरी में आपको जो है रिडीम कोड जो है देने वाले हैं।
तो गाइस मेरा जो इंस्टाग्राम नेम है गाइस आर एन भाई गेमिंग 82 है, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको जो है रिडीम कोड चाहिए तो 5000 फॉलोअर कंप्लीट करा लीजिए, तो वहाँ पे मैं डेली आपको जो है स्टोरी में जो है रिडीम कोड दे दूंगा। और गाइस जो अगली अपडेट हमारी निकल के आ रही है, ग्रेनर ने हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर दी है, क्योंकि गाइस जो हमको जो है केओ नाइट का मेल बंडल है वो हमको फ्री में नहीं मिलेगा, इसके लिए हमको जो है डायमंड लगाने पड़ेंगे। जैसे कि लेजेंडरी बंडल आया था उसी तारीख से इसका जो है रॉयल आने वाला है, जिसमें आपको जो है एक फिस्ट की स्किन भी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे जो यहाँ देख सकते हैं ये टट्टी बंडल भी देखने को मिलने वाला है। और भाई लोग मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इसमें एक भी डायमंड ना लगाएं, क्योंकि लेजेंडरी बंडल पे मैंने पूरे 2000 रुपये लगाए फिर भी मेरे को नहीं मिला, तो गाइस इस बंडल पे भी 1 रुपये नहीं मैं तो लगाऊंगा नहीं। खैर आप भी एक भी डायमंड इस बंडल पे ना लगाएं, ना तो इन्होंने ये फ्री में दिया गाइस, उल्टा यहाँ पे मतलब कि लेजेंडरी बंडल की तरह देने लगे। तो गाइस जो हमारा एफएफ टोकन होगा था गाइस उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो एफएफ टोकन के बदले जो हम जो है एक्सचेंज कर पाते थे बंडल वगैरह, तो गाइस वो अभी हम एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना, ये हमारे परमानेंटली नहीं हटाया गया, क्योंकि ये दोबारा से आपको रिटर्न में देखने को मिलेगा। इसमें जो है मेंटेनेंस चल रहा है, क्योंकि गाइस हमारा जो लेवल अप कार्ड होते हैं गाइस वो अब हटाए जा रहे हैं, उनके बदले जो हम यूनिवर्सल फ्रेगमेंट है उनको एक्सचेंज कर पा रहे होंगे। तो आप जो इवेंट वाले सेक्शन में जाके जो है लेवल अप कार्ड जो आपके पास पड़े होंगे उनसे जो है यूनिवर्सल जो फ्रेगमेंट है उनको एक्सचेंज कर लेना, क्योंकि अब जो हमारे लेवल अप कार्ड है वो जो है खत्म होने वाले हैं। और लेवल अप कार्ड जब हमारे खत्म होंगे तो आपको पता होगा कि हमारा जो है एफएफ टोकन में जो है लेवल अप कार्ड भी मिलता था गाइस, तो उसको मेंटेन करने के लिए गाइस हमारा जो एफएफ टोकन रिवॉर्ड है वो थोड़ा एक्सचेंज किया जाएगा, और उसमें जो है ढेर सारे नए आइटम हो सकता है वहाँ पे ऐड किए जाए, कुछ नए और रेयर आइटम भी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। तो गाइस देखते हैं हमारे जो एफएफ टोकन में क्या कुछ रिवॉर्ड वहाँ पे डाले जाते हैं। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।